सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हिंदी टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्पीड टेस्ट कंपैरिजन Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro के बीच। यहाँ पे हमारे पास जो Redmi Note 7 Pro है उसमें हमें मिलता है Snapdragon 675 के साथ 4GB का रैम, जहाँ इस Realme 3 Pro में हमें मिलता है Snapdragon 710 के साथ अगेन 4GB का रैम। सो पहले हम दोनों ही फ़ोन के अबाउट सेटिंग्स में जाके चेक कर लेते हैं Android वर्जन, और जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन में चल रहा है Android 9 Pie। तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे फ़ोन्स की बूटिंग टेस्ट से, और दोनों ही फ़ोन में चले जाते हैं रीस्टार्ट स्क्रीन पे, और दोनों फ़ोन को एकदम सेम टाइम पे रीस्टार्ट करेंगे इन 3, 2, 1 गो। ओके, दोनों ही फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है और ऊपर स्टॉप वॉच में आपको दोनों की एग्जैक्ट बूटिंग टाइम दिखाई देगा। तो नाउ देखते हैं कि कौन सा फ़ोन पहले बूट होता है। ऑलराइट, तो Note 7 Pro पहले बूट हो गया 24 सेकंड्स में, और अराउंड 5 सेकंड के बाद Realme 3 Pro भी बूट हो गया। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दूसरे स्पीड टेस्ट की तरह आज भी हमारे पास है कुछ डेली यूजिंग और सोशल ऐप्स जैसे फ़ोन कैमरा, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps, Adobe Premiere क्लिप जिसमें हम दोनों ही फ़ोन की GPU रेंडरिंग स्पीड चेक करेंगे, शॉपिंग ऐप्स जैसे Amazon और Flipkart, एक लाइट वेट गेम, 2 हैवी गेम्स और क्लॉक ऐप जिसमें हम पूरे टेस्ट के टाइम स्टॉप वॉच चला के रखेंगे दोनों ही फ़ोन में। टेस्ट शुरू करने से पहले जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है, दोनों में लोकेशन या फिर GPS ऑन है, और दोनों फोन की बैकग्राउंड मेमोरी में कोई भी एप्लीकेशंस रनिंग नहीं है। ऑलराइट, तो टेस्ट को स्टार्ट करेंगे क्लॉक ऐप में जाके, और दोनों में ही स्टॉपवॉच को चला लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं फोन ऐप पे, और फोन ऐप एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फोन में। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा ऐप की लोडिंग टाइम को अगर माइनटली देखते हैं तो हाफ अ सेकेंड पहले लोड हो गया Realme 3 Pro में। चलते हैं ट्विटर पे, और ट्विटर को यहाँ से चला लेते हैं। अगेन ट्विटर पहले लोड हो गया Realme 3 Pro में। नाउ चलते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। अगेन इंस्टाग्राम पहले लोड हो गया Realme 3 Pro में। चले जाते हैं फेसबुक में, और फेसबुक को यहाँ से चला लेते हैं। फेसबुक पहले लोड हुआ Note 7 Pro में। ओके, तो यहाँ से वापस चले जाते हैं होम स्क्रीन में, और चला लेते हैं गूगल मैप्स। फेसबुक की तरह गूगल मैप्स भी पहले लोड हुआ Note 7 Pro में, और दोनों फ़ोन में मैप्स लोड होने के तुरंत बाद आ गया हमारा एग्जैक्ट लोकेशन। एनीवेज, नाउ चले जाते हैं एडोबी प्रीमियर क्लिप में, और प्रीमियर क्लिप में हम सेम 1 मिनट की क्लिप को दोनों ही फ़ोन में इंपोर्ट कर लेंगे, और क्लिप सेटिंग्स में जाके 50% स्लोर करके बैक करके शेयर पर टैप करके सिलेक्ट कर लेते हैं सेव टू गैलरी, और 1080p को सिलेक्ट करके दोनों ही फ़ोन की GPU रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू पर टैप करके इन 3, 2, 1 गो। ओके, तो रेंडरिंग स्टार्ट हो गया है, और ना हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, पर आप ऊपर स्टॉप वॉच में देख पाएंगे दोनों फ़ोन की एग्जैक्ट रेंडरिंग टाइम। दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Realme 3 Pro और Note 7 Pro की रेंडरिंग टाइम काफ़ी सेम है, क्योंकि दोनों फ़ोन की रेंडरिंग ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे चल रहा है। पर Realme 3 Pro ने टेस्ट को यहाँ पे पहले ख़त्म कर लिया है 4 मिनट 4 सेकंड्स में, और अभी देखते हैं कि Note 7 Pro को कितना टाइम या फिर कितना सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगता है रेंडरिंग टेस्ट को कंप्लीट करने में। फाइनली Note 7 Pro ने अराउंड 10 सेकंड के बाद टेस्ट को खत्म किया है एग्जैक्टली 4 मिनट 14 सेकंड्स में। और राइट नाउ हम फोन में इसे सेम स्क्रीन पे रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे होम स्क्रीन पे, और कंटिन्यू करेंगे हमारा स्पीड टेस्ट Subway Surfers को चला के। तो यह Note 7 Pro में पहले लोड हो गया Subway Surfers, और लेस देन अ सेकेंड में लोड हो गया Realme 3 Pro में। और नाउ हम चले जाएंगे PUBG में, और PUBG को चला लेते हैं इन 3, 2, 1। ऑलराइट, तो नाउ देखते हैं कि कौन से फ़ोन में पहले आता है PUBG का मेन मेन्यू। Note 7 Pro में पहले लोड हो गया PUBG, और अगेन 1 सेकंड के अंदर Realme ने भी लोड कर लिया PUBG। एनीवेज, तो यहाँ से हम PUBG को बैकग्राउंड में रख के होम बटन पे टैप करके चले जाएंगे हमारे शॉपिंग ऐप्स में, और Amazon को दोनों ही फ़ोन में चला लेते हैं। Amazon का मेन होम पेज पहले लोड हो गया Realme 3 Pro में, पर 1 सेकंड के अंदर Note 7 Pro ने भी लोड कर लिया Amazon को। तो नाउ चले जाते हैं Flipkart में, और Flipkart एकदम सेम टाइम पे लोड हुआ दोनों फ़ोन में। नाउ यहाँ से चले जाते हैं होम स्क्रीन में, और फाइनली चलाते हैं Asphalt 9, और इसे चला के देखते हैं कि किस में पहले लोड होता है Asphalt की मेन मेन्यू। दोस्तों जैसे आपने देखा एसफल्ट की मेन मेनू पहले लोड हो गया रियलमी 3 प्रो में और मोर देन 10 सेकंड के बाद नोट 7 प्रो ने भी लोड कर लिया एसफल्ट 9। ऑलराइट, तो यहाँ से डायरेक्टली चले जाते हैं होम स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारे डिस्क विंडो में जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पूरे डिस्क के टाइम सारे एप्लीकेशंस को बैकग्राउंड में रखे थे ताकि अभी हम देख पाए दोनों फोन में से किसकी रैम मैनेजमेंट है बेटर। तो रैम मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं क्लॉक ऐप से और स्टॉप वॉच, यस अभी भी दोनों फ़ोन में चल रहा है। नेक्स्ट है फ़ोन ऐप और फ़ोन ऐप रिस्टार्ट हुआ दोनों ही फ़ोन में। कैमरा ऐप रिस्टार्ट हुआ ओनली नोट 7 प्रो में जहां रियलमी ने इसे अपने मेमोरी में रखा है। नाउ यहां से वापस होम स्क्रीन में जाके ट्विटर को यहां से चला लेते हैं। ओके, अनफॉर्चुनेटली ट्विटर को दोनों ने ही रिस्टार्ट किया है। चला लेते हैं इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम रनिंग है सिर्फ नोट 7 प्रो में जहाँ इसे रियलमी ने रिस्टार्ट किया है। चलते हैं फेसबुक में। फेसबुक को दोनों में से किसी ने भी अपने मेमोरी में नहीं रखा है। एनीवेज गूगल मैप्स को चलाने के बाद हमें मैप्स रनिंग मिला सिर्फ रियलमी 3 प्रो में, पर मैप्स के बाद ऐप्स जैसे प्रीमियर क्लिप, सबवे सर्फर्स और इवन पबजी रिस्टार्ट हुआ दोनों ही फ़ोन में। पबजी के बाद अमेजन को चलाने से हम देख सकते हैं कि अमेजन रनिंग है सिर्फ नोट 7 प्रो में और सेम गोज़ विद फ्लिपकार्ट क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी रियलमी ने अपने मेमोरी से हटा दिया है जहाँ नोट 7 प्रो में फ्लिपकार्ट रनिंग है बैकग्राउंड मेमोरी में। फाइनली एसफल्ट 9 चलाने से हम देख सकते हैं कि अगेन एसफल्ट 9 रनिंग है सिर्फ नोट 7 प्रो में जहाँ इसे भी रियलमी ने अपने मेमोरी से हटा दिया है। तो ओवरऑल अगर बात करें परफॉर्मेंस की देन ऐप ओपनिंग टाइम मुझे दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट इक्वल लगा है क्योंकि फर्स्ट राउंड में लाइटवेट एप्लीकेशंस को रियलमी ने पहले लोड किया है पर हेवी गेम्स और ऐप्स को नोट 7 प्रो ने पहले लोड किया है कंपेयर टू रियलमी 3 प्रो। पर यू नो के इस टेस्ट में जो आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो आपको डे टू डे यूज़ करने के टाइम नज़र में नहीं आएगा। ना अगर बात करें मल्टीटास्किंग या फिर रैम मैनेजमेंट की तो नोट 7 प्रो में रियलमी 3 प्रो से कंपेरेटिवली बेटर रैम मैनेजमेंट आपको मिलता है क्योंकि दोनों फ़ोन में 4GB रैम होने के बाद भी नोट 7 प्रो ने ज़्यादा एप्लीकेशंस को अपने मेमोरी में रखा है। पर ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट दोनों फ़ोन की रैम मैनेजमेंट मुझे एवरेज लगा है क्योंकि दोनों में ही मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस रिस्टार्ट हुआ है हमारे रैम मैनेजमेंट राउंड में। एनीवेज तो ये था हमारा स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। पर नाउ आप हमें बताइए कि आपको स्पीड टेस्ट या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से नोट 7 प्रो और रियलमी 3 प्रो के बीच में से कौन सा बेटर लगा है। और यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।